हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो है एक्सरसाइज नंबर 6 है जो सॉलिड वर्क के लिए है। हम आपको इस टाइप का एक ड्राइंग है जो हम बनाएंगे सॉलिड वर्क में, और हम आपको बताएंगे कि इस ड्राइंग को बनाने में कौन कौन से कमांड और कैसे यूज करना है। इस ड्राइंग को बनाने में हमें स्केच कमांड, स्केच लाइंस, सर्कल सब का यूज करके और एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड इस सब का यूज करके, ऑफसेट, सारे कमांड का यूज करके हमने इस ड्राइंग को बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, उसके बाद पार्ट पे और ओके कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी प्लेन सेलेक्ट कीजिए जैसा कि हम पिछले ड्राइंग में देखे थे। इसके पहले हम जो है ना एक ऐसा स्केच बना लेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटर से ही जो कि ये सर्कल है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना आउटर सर्कल, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिट जो है आप ठीक कर लीजिए, यूनिट सही होना चाहिए। अब ये सर्कल मैंने लिया एक सेंटर से, इसकी जो रेडियस है वो आप आउटर रेडियस देख रहे हैं कि कितना है, ये 135.60। तो यहाँ से आप लेंगे, डायमीटर है 135.60 ले लिया हमने। इसके बाद हम यहाँ से सेंटर लाइन लेंगे, और ये जो सर्कल बना है सेंटर लाइन, ये नहीं तो फिर ऐसे आप एक और सर्कल बनाइए, यहाँ पे दो सर्कल बनाइए एक्चुअली। और इसके बाद इसके और इसकी जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हॉरिजॉन्टल रिलेशन में इसको रखिए। इसके बाद इसके डायमेंशन को पुट कीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो डायमेंशन्स है, यहाँ पे है लिखा हुआ। तो सबसे बाहरी वाला है यहाँ पे है 40 का रेडियस है, तो इसका मतलब है 40 × 2, तो 80 का ये हो गया। इसके बाद है 25 का, तो 25 × 2 ये 50 का हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो डायमेंशन्स है वो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ पे आप देखिए 150 है, यहाँ से और यहाँ का जो है वो 150 है, 150। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये जो रेडियस है वो इसके ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 पॉइंट आर्क, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दोनों पे सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से बना के यहाँ पे रिलेशन हम देंगे टेंजेंट रिलेशन। यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन आप कैसे लोगे, आप पहले एक लाइन सिलेक्ट करो और इसके बाद सर्कल सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, इसके बाद टेंजेंट को प्रेस करो, ये टेंजेंट पे जाएगा। इसके बाद सेम यहीं पे प्रोसेस करो, सर्कल सेलेक्ट करो और फिर आर्क सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मेक श्योर टेंजेंट लिखा हुआ है, तो टेंजेंट ये आप टेंजेंट रिलेशन में इसको ले आया है। इसके बाद क्या कीजिए, इसके डायमेंशंस को पुट कीजिए। 130 डायमेंशन है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 130 है, तो ये 130 का रेडियस हमने इसमें प्रेस कर दिया। इसके बाद ऐसा ही एक और हमें यहाँ पे बनाना है, तो हम यूज करेंगे मिरर कमांड। इसीलिए हम मिरर कमांड को यूज करने के लिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन लिया है, यहाँ पे मिरर का एंटिटीज़ को प्रेस कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लाइन है जिसको हमें मिरर करना है उसको सेलेक्ट करके मिरर अबाउट कीजिए, और यहाँ पे कॉपी प्रेस करके रखिएगा, नहीं तो अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो ये जो है हमारा डायरेक्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब देखिए जो मिरर जिसको नहीं यूज करना आता होगा वो भी आप यहाँ से देख करके यूज करना सीख जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है जो भी वीडियोस बनते हैं वो उसको आप देखा कीजिए जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो भी कमांड्स है कैसे यूज करना है वो आप जब देखेंगे, जब आप खुद ही बनाओगे जब ही आपको पता चलेगा। इसीलिए आप इसको देखो और ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा आ चुका है,
यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 और 10, ये जो 20 है यहाँ पे कट आउट है। हम इस कट आउट को कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम एक सेंटर लाइन यहाँ से लेंगे और इस सेंटर लाइन को हम कर देंगे ऑफसेट। अब देखिए ऑफसेट कमांड कैसे हम यूज करते हैं। ऑफसेट कमांड यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज पे सेलेक्ट करके और प्रेस कीजिए। तो जहाँ ऐसे प्रेस कीजिएगा तो 10 है, यहाँ से आप देखेंगे ये सेंटर से 10 ही है, तो ये ठीक है। लेकिन हमको दोनों तरफ चाहिए, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल प्रेस कीजिएगा तो दोनों तरफ बनेगा, और इसके बाद ओके कीजिए। अब हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे इस पार्ट को जो अननेसेसरी पार्ट है उन सबको हम ट्रिम कर लेंगे। ये मैंने ट्रिम कर ली, इसके बाद इसे भी ट्रिम कर लेंगे, ये भी ट्रिम हो गया, ये एक साइड का मेरा बन गया। अब हमको सेम चाहिए सेकंड साइड, तो अब सेम चाहिए हमको सेकंड साइड, तो इसके लिए हम फिर से मिरर एंटिटीज को ही यूज कर लेंगे, क्योंकि हम फिर से दोबारा इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए कमांड को यूज करना सीखिए, क्योंकि मेहनत से बचिएगा। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, माउस को लेफ्ट साइड वाले बटन को प्रेस करके और ड्रैग करते हैं, तो आप देखेंगे कि जितना को मैंने सेलेक्ट किया है वो सब सारे हाइलाइटेड हो गया है, क्योंकि इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मिरर एंटिटीज़ को ओपन कीजिए, तो आप देखेंगे जो मिरर जिसको हमें करना है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और मिरर अबाउट, हमने एक एक्सिस लिया है उसके अबाउट हमें मिरर करना है सेंटर से, इसको दबाइए, प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ओके। आप देखेंगे कि दोनों तरफ सेम बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो इस ड्राइंग में हमने आपको दिखाया है सेम सेम आपका क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट जो ड्राइंग है वो बन चुका है। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों को चेक कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 300 इसका डायमेंशन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम करेंगे यहाँ से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर लेंगे, और अभी मिड प्लेन से, मिड प्लेन से इसीलिए कि दोनों तरफ आ जाएगा। तो मिड प्लेन से हम कितना करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो यहाँ से डायमेंशंस दिखा रहा है आपको 20, तो हम करेंगे 20, 20 प्रेस करके एंटर करेंगे और ओके। तो आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्री हमारा कुछ इस तरीके का बना हुआ है। लेकिन अभी मैंने आपको एक सेक्शन व्यू दिखाया है यहाँ पे, जिसको देखिए 100 जो है डायमीटर वाला एक अलग है और 135.6 वाला एक अलग है, तो इस दोनों को भी हमें बनाना होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। बनाते हैं हम इसको, यहाँ से चलते हैं किसी भी प्लेन पे आप सेलेक्ट करके, और यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आएगा, स्केच करके और स्पेस बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये ओरिएंटेशन खुलेगा, और यहाँ पे नॉर्मल टू प्लेन कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप ले लीजिए सर्कल, फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल जो हम लेने वाले हैं वो ये सर्कल लेने वाले हैं, तो ये है 135.60। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 135.6, ये 135.6 का आ गया। इसको हम करेंगे एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट हम कितना करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका यहाँ से है 10, तो ये कितना आ गया 20 है, तो ये 10 हो गया, तो हम कितना घटाएंगे इसको 10, 10 ये आ गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके मिड से, क्योंकि ये थ्रू ऑल जो आप देख रहे हैं ये दोनों कटआउट है, तो हम इस पे जाकर स्केच का बटन दबा के और फिर इसको हम थ्रू ऑल कर लेंगे। फिर हम सर्कल प्रेस करेंगे और सर्कल ड्रॉ करके इसका डायमेंशन हम पुट कर देंगे, डायमेंशन है 100, 100 करेंगे एक्सट्रूड कट। और अब हम करेंगे अप टू नेक्स्ट, इसका मतलब होगा ये
आर पार हो जाएगा, अगले सरफेस तक कट जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने जो आपको ड्राइंग दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने जो बनवाया, जो हमने बनाया वो सेम टू सेम बनाया। तो इसी प्रकार से आप ड्राइंग को बनाइए, सीखिए, और भी हम इससे भी ज़्यादा बढ़िया एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, एडवांस वाला जो हम लेके आएंगे, वन बाय वन करते जाइए एक्सरसाइज। और भी हम सरफेस के लिए भी जो टूल्स है हमारा, सरफेस टूल सॉलिड वर्क के अंदर, हम वो भी क्या करते हैं, उसके ट्यूटोरियल्स भी हम बनाएंगे, जो सरफेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होगा हम बनाएंगे, और सरफेस के सारा कमांड्स किस प्रकार से यूज करते हैं हम वो भी बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बता चुका हूँ कि शीट मेटल की जो हमने पूरी ट्यूटोरियल बनाई है, अब शीट मेटल के बारे में सीखिए। अभी स्केच का ट्यूटोरियल पूरा बना हुआ है, स्केच सीखिए। फीचर के कमांड्स आप देख रहे हैं, अभी हमने होल विजार्ड नहीं बताया है, रिवॉल्व कट्स बता चुका हूँ, स्वीप कट क्या होता है, लॉफ्ट बाउंड्री, बहुत सारे के सारे मैंने बता चुका हूँ। और अगर आपको कोई भी कमांड में सॉलिड वर्क के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो भी संभव हो सकता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।